नमस्कार, मैं सुमेश झा और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और एक बार फिर से हम यहाँ कितलाना टोल पर पहुँचे हैं। और जैसे कि कितलाना टोल पर लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जो किसान धरना चल रहा है, उस पर आज फिर से एक बार चरखी दादरी विधायक सौमीर सांगवान खाप के प्रधान भी हैं, ये यहाँ पर एक बार फिर से पहुँचे। और कल की बात करेंगे, कल हरियाणा विधानसभा में जहाँ अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। हालांकि गिर गया है, लेकिन उस पर भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आई, उन्हीं के बारे में कुछ बातें करेंगे कि क्या कुछ हुआ कल और क्या कुछ अब आगे होने वाला है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सर, कांग्रेस के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कल हम देख रहे थे कि कांग्रेस ने काफ़ी सारी बातों पर सहमति सी जाहिर की सरकार के साथ कि हम भी यही कह रहे हैं अमेंडमेंट्स हो जाएं और सारी चीज़ें हो जाएं, और उसके साथ साथ लेकिन हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि ताकि कोई पता चल सके कौन किसके साथ है। तो लगा कि कहीं पर जो कांग्रेस की कहीं पर मंशा थी कि एक्चुअल में तीनों कृषि कानूनों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव हो, या फिर वो अपना सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव लेकर के आए। ऐसा जो कल का अविश्वास प्रस्ताव था जी, कांग्रेस की अपनी मंशा थी, अपना सिस्टम था कि भाई उनका कहने का और एजेंडा यह था कि भाई किसानों के हक में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे। तो हमने तो पहले घोषणा कर दी थी कि जो किसान के हक में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाओगा तो सरकार के खिलाफ सबसे पहला समर्थन करने वाला सौमीर सांगवान होगा। और हमने जो भाइयों से जबान करी थी, जो वादा किया था, हम उसको अपने वादे पर कायम रहे जी। सरकार गिरती रहती है, सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, पार्टी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन जिस माध्यम से जो मैसेज आना चाहिए था समाज के अंदर, वो मैसेज चला गया ठीक है, क्योंकि जनता के अंदर बहुत भारी रोष है और किसान 3.5 महीने से रोड के ऊपर बैठा हुआ है, किसान बर्बादी के कागार पर है। अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने अभी भी वक्त है, जितना जल्दी उसके भगवान सदबुद्धि दे सरकार को, तीनों कानून वापस करके चौथा कानून किसानों के हक में लाके किसानों के बीच में बैठ के, किसान विशेषज्ञों के बीच में बैठ के कोई प्रस्ताव लेके आए जिससे किसान का भला हो, देश का भला हो, प्रदेश का भला हो जी। अगर यहाँ पर बात करें, जैसे कल एक लास्ट में जाकर के कमेटी बनाने की बात कहीं ना कहीं सामने आई थी कि कमेटी बना लेते हैं, उसमें बैठ करके बातें करेंगे, उसके बाद सारी जो चीजें होंगे उसमें देखेंगे, तो क्या उस कमेटी का बनाने का कोई औचित्य है यहाँ पर? कमेटी किस चीज की? लास्ट में जो जब मुख्यमंत्री जी ने खड़ा होकर के कहा था कि एक कमेटी बनाते हैं, APMC का जो है ना, वो तो उसके लिए था जी कि हम सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव पास कर दें कि MSP उसके आधार से उससे कम खरीदारी ना हो। वो स्टेट गवर्नमेंट का अपनी तरफ से कोई कमेटी बना के डिस्कस करके कोई प्रस्ताव लाने वाली बात थी। वो कब कमेटी बनेगी, क्या कमेटी प्रस्ताव लेगी, क्या अमेंडमेंट होगा भविष्य में है ठीक है। इतना जब तक ये आंदोलन चल रहा है, लोगों को एक मिनट टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, गर्मी के मौसम में रोड के ऊपर बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ इस कमेटी का कोई सदुपयोग होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सोगड़ा मात्र कह सकते हो, कब कमेटी बनेगी, क्या कमेटी बनेगी, मैं नहीं समझता उससे कोई रिजल्ट आने वाला ठीक है। जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी, तो जब लोगों को पक्ष में खड़े होने के लिए कहा गया, तो 32 लोग अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए, जबकि 30 कांग्रेस के और 2 आप लोग जो निर्दलीय विधायक थे। उसके बाद जब विपक्ष में खड़े होने के लिए कहा गया, तो कुछ लोग कभी खड़े हो रहे थे, कुछ बैठ रहे थे, बार बार ये कुछ चीज़ें हमने भी देखने को मिली। क्या मन में था उन लोगों के, क्या उनका मन था कि कहीं ना कहीं वो उसका अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए, विपक्ष में ना रह करके? ऐसा दिल में भय था, खड़े हो गए तो लोग क्या कहेंगे, बैठे रहेंगे तो व्हिप जारी कर रखी थी, उसका भय था जी। दोनों तलवार से तलवार लटकी हुई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए था। MLA अपना जाए, मेंबरशिप जाए, कोई माना नहीं रखता। अगर भाइयों के बीच में खड़े तो भाइयों ने बढ़ाए, फिर बढ़ा देंगे, कौन सी बात थी। लेकिन उनके दिमाग के अंदर जो भय था, वो भय का परिणाम था जो उठक बैठक निकाल रहे थे जी। अगर जो अभी जैसे एक ओपन वोटिंग हुई, अगर ये बैलेट पेपर के माध्यम से कहीं पर वोटिंग होती, तो क्या कुछ अलग निर्णय देखने को मिल सकता था? देखो, रिजल्ट की तो उम्मीद ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 32 और 55 का गैप ज़्यादा था जी। लेकिन मैं जरूर कह सकता था, अकेले में बहुत आदमी चाह रहे थे, जिनकी इच्छा थी, जो दुखी हैं, लेकिन ओपन में नहीं आ सकते, भय है जिनके दिमाग के अंदर,
शायद हो सकता है लोकमा वोटिंग पड़ती तो कुछ न कुछ रिजल्ट इसके अलावा कुछ और होता जी। जसपा विधायक बबली ने जब उनसे बात हो रही थी, जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाही तो उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ, तो क्या लग रहा है कि कहीं अब आने वाले समय में वो इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि जब बाहर निकले तो मैं भी देख रहा था कि प्रेस के साथ जब बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदलाव क्या आ जाता, बदलाव तो कुछ होना नहीं है, तो मैं उसके विपक्ष में ही खड़ा हुआ। ऐसा है कि हर एक आदमी अपनी सोच है, क्या बदलाव होता क्या नहीं होता वो तो गर्भ में है। आदमी सकीम बनाता है, हम जेठ के अंदर बाजरब होते हैं, वो कत्ते को पता चलता है कितना होया जी। ये आप आगे की कौन बता सकता है? ठीक है, हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अगर पीछे की बात करें जी, अगर हम अपने शुद्ध अंतःकरण से बढ़िया काम करें तो फिर रिजल्ट की चिंता है जी। करना है तो करना है, उसका रिजल्ट जो भी हो सर स्वीकार करना है। अगर भगत सिंह को ये पता चलता आज तेरे को फांसी टूटेगी जी, उसने इस बात की चिंता थोड़ी थी, तेरे को फांसी टूटेगी खुला हिमालय मिले, उसका एक ध्येय था कि मैं देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ, उसको कुछ भी मिलते और जो कुछ मिले फिर उसको शहर स्वीकार भी करना चाहिए जी। बिल्कुल, अगर जैसे आपने कहा कि आगे की चिंता नहीं पीछे की चिंता करें, तो पीछे अगर हम देखें तो बबली जी के द्वारा जो सिया के द्वारा और जो एक रामकुमार गौतम जी हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे बातें कही गई थी, मीडिया के सामने भी आई थी, जहां रामकुमार गौतम जी ने कहा था कि अगले 3 साल तक के लिए, अगले इलेक्शन तक के लिए इनको पोस्टपोन कर दो, अगर जीत जाओ तो लागू कर देना। तो वहीं दूसरी तरफ जोगीराम सिंह के द्वारा जहां कहा गया था कि मैं किसानों के साथ हूं, बबली जी के द्वारा कहा गया कि अब तो सरकार से वापस समर्थन ले लेना चाहिए, लेकिन वहां पर वो चीज़ें नहीं दिखाई दी। क्या कहेंगे आप कि जो पहले ही जो किसान कह रहे थे कि काली भेड़े और सफ़ेद भेड़े अलग हो जाएंगी इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद, तो क्या वो अब हुई हैं और उनके मन में जो चीज़ें थी वो कहीं सामने आई? ऐसे मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आदमी की जो आत्मा माने ने, मन माने जी, वो काम कर देना चाहिए जी। उसका रिजल्ट क्या होगा उस बात की चिंता छोड़ के, जब भाइयों के बीच में आके जब उखड़ के अंदर सर दे दिया तो फिर मुसल के किसी से डरना है जी। दे दिया कर दिया कुछ हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो फायदा हो नुकसान हो, ये तो सब सौदा किस्मत का है, सब सौदा तकदीर का, मैं फिक्र ले सारा खेल किस्मत का है। आदमी ने अपना काम है कर्म करना, फल जो है ना कुछ है मालिक को छोड़ देना, कुछ छाजो काम करे उनका तो नहरू का तो पैदा हो नहीं, आम जनता ने बनाया, जनता का हक है, भाइयों के साथ जो भाई कहें वो करेंगे, इससे फालतू इससे बड़ा मौका और क्या मिल सकता है? जिन भाइयों ने बनाया और भाई वो आदेश को सेवा के लिए कहते हैं और फिर भी सूख जाते हैं, इससे बड़ी मूर्खता मैं नहीं मानता। तो अब उनको किस तरफ खड़ा माना जाए और आगे के लिए इस तरह के लोगों के लिए अब आगे क्या आप लोगों ने निश्चय किया है, क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेगा इनके लिए? ऐसा है जो जनता के विश्वास के ऊपर, चाहे कोई मैं हो चाहे कोई पार्टी का हो चाहे कोई निर्दलीय हो, जो जनता का विश्वास टूट जाता है दोबारा खड़ा नहीं होता। ठीक है, वो उनकी भूल है चाहे कोई भी हो। राजनीति के अंदर जनता का विश्वास टूट गया तो समझो सब कुछ गया जी। जनता का विश्वास होना बहुत बड़ी बात है और जनता का विश्वास इतना चाहिए। कृषि मंत्री के द्वारा कल भी एक चीज और कही गई कि जितने भी किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठे हैं उनको तो बहला फुसला करके ले जाया गया है, क्या अभी भी उनको ये लग रहा है कि बहला फुसला कर लिख के लेके जाया गया है और एक तरफ अमेंडमेंट्स की भी बात कर रहे हैं? ये जितने किसान भाई बैठे हैं ना, वो जितने नेता बैठे हैं उनसे कई गुना ज्यादा समझदार हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा शाणे हैं जी। हवा को देख के पता चला बता देते हैं बारिश आएगी कि नहीं आएगी, ये खेत में फड़ी फसल को बता देते हैं इसे कितना पैदा होगा जी। ये भैंस की शक्ल देख के बता देते हैं दूध कितना देगी, ये जो नेता गरीब है उनसे कई गुना ज्यादा शाणे हैं और इनके बच्चे उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं जी। ये सिर्फ उनकी भूल है, कोई बहकाव में नहीं आता, जिसके तकलीफ है अपने दुख के अंदर बैठे अपनी पीड़ा के अंदर बैठे हैं, सरकार ने चाहिए इनकी तकलीफ को समझते हुए तीनों कानून वापस करके चौथा कानून लेना चाहिए जो किसानों के हित में जी। आपने भी कल अपने भाषण के दौरान में वहाँ जब चर्चा हो रही थी उस दौरान में कहा बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्या मतलब क्या निकाला जाए उस चीज का कि किस तरीके से और आपका इशारा किसकी तरफ? दोनों पार्टियों की तरफ से जो भाई बुझे हुए मन से किसानों के साथ भी खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं जी, वो सरकार के विरोध भी नहीं करना चाहते, दोनों संभव कैसे हो सकता है? या तो सरकार के साथ खड़े हों डट के, या फिर डट के किसान भाइयों के साथ खड़े हों, दो घोड़ा बटांग गले बटांग पटेंगे भाई जी, एक घोड़ा बटांग गले। काफी तनातनी भी रही इस दौरान में, काफी बहस भी हुई, क्या कुछ लग रहा था कि जो सरकार है कहीं पर भी कुछ भी उसके मन में कुछ चल रहा है कि हाँ कहीं तो ये जो किसान है जायज है?
ऐसा कोई आगा खेस जाता तो सिस्टम और हो जाता, ठीक है, क्योंकि नेतृत्व करना बड़ी बात है। फौज तो पीछे खड़ी हुई चल पड़ती है, नेतृत्व कौन करे? जो बिल्ली घंटी बांधने वाले बात ही नहीं, उनमें से एक भी खड़ा हो जाता ना तो उसके साथ काफिला बन जाता। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए काफिला बनाने की यहाँ पर जहाँ पर बात की जा रही है और काफ़ी सारी जो कल चर्चा हुई और उसके बाद हालांकि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, लेकिन काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आई हैं। जो लोग बार बार ये कहते थे कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का बुरा नहीं होने देंगे, उनका कहीं ना कहीं चेहरा बेनकाब हुआ है। और जहाँ पर अगर बात करें कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जहाँ पर वोट आए थे, जो 32 वोट आए थे उनमें 30 वोट जो थे वो कांग्रेस विधायकों के थे, तो 2 वोटों में एक वोट सोमवीर सांगवान जी का और दूसरा बलराज कुंडू का था, जो कि दोनों के दोनों निर्दलीय विधायक हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। बाकी के सभी जो कि कह रहे हैं हम किसानों के हितैषी हैं, अब उनका कहीं ना कहीं आने वाले समय में पता चलेगा कि कितने हितैषी हैं, कितना क्या हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा भी जहां पर बात कह रहा है कि हम कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो ये बड़ी बातें हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हम हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ के साथ। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं सोमेश डाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए।